चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे क्या हुआ मोमो? नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं क्या? मेरा वो मर गया। वो कौन? वो ही मेरे पीतल का वो। पीतल का वो? अरे पीतल की कोई चीज कैसे मर सकती है भाई? पीतल मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का वो मर गया। सोने का? हाँ सोने का वो मर गया। सोने का क्या मर गया है मोमो? वही जो यतीम का नहीं होता ना, वो बाप। हाँ, मेरा बाप मर गया। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि सोने का बाप मर गया। हाँ तो सोने का बाप हुआ? तुम्हारा शौहर? हाँ मेरा शौहर मर गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा शौहर जिंदा है। मैं तुझे क्या पता, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मरते हुए। अरे मोमो तुम्हारा शौहर मैं हूँ और मैं जिंदा हूँ, ये देखो। हा? हाँ मैं जिंदा हूँ। क्या हो गया माँ जी? उधर मेरे कमरे में भूत है। क्या माँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है पुत्र। माँ जी आपने आईना तो नहीं देख लिया? आईना नहीं देखा मैंने, भूत देखा है। ओ माँ जी भूत कहाँ से आ गया यार? अरे मोमो, अरे भाई मैं महमूद हूँ, तुम्हारी माँ मुझे भूत समझ रही है। यार महमूद साहब एक सेकंड के लिए तो मैं भी डर गया था यार, सोते में आप इतने खौफनाक क्यों लगते हैं यार? बकवास मत करो नबील। मोमो चलो कमरे में। नहीं नहीं नहीं। ओ माँ जी क्या हो गया यार, ये भूत नहीं है, महमूद है आपका शौहर। ओए वो तो मर चुके हैं, ये उनका भूत है। भूत साहब कैसे मर सकते हैं यार? क्यों नहीं मर सकते जानू, क्या इन्होंने अमृत पिया हुआ? मेरा मतलब है हमारे सामने खड़े हैं ना यार। ओ मैंने अपनी आंखों से उन्हें मरते देखा है, उन्हें 8-8 गोलियां लगी थी। ओ माँ जी महमूद साहब गोलियों से कहाँ मरने वाले हैं यार, इनको इससे बड़े गोले मारने पड़ेंगे। मुझे लगता है माँ जी ने सोते में कोई बुरा ख्वाब देखी है अभी। ओ जानू माँ जी ने ख्वाब में महमूद साहब को मरते हुए देखा, ये तो अच्छा ख्वाब हुआ ना यार, बुरा कहाँ से हो गया? ओके जानू। माँ जी आप डरे मत यार, आपने कोई ख्वाब देखा है जिसमें महमूद साहब मरे? वो जो मैंने देखा था वो ख्वाब था। हाँ मोमो वो ख्वाब था। इसका मतलब है आप जिंदा हैं? हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ओ यार जानू चलो यार, नींद भी पूरी नहीं करने देता सालिम लोग। गर्मी की वजह से सारे पौधे खराब हो रहे हैं। और ये गर्मी की वजह से नहीं धूप की वजह से हुए। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? मुझसे बात कर रही है पुत्र। अच्छा माँ जी अब वहाँ जाके तो पौधों को पानी देना, खुश्क हो रहे हैं सारे। अच्छो ओए ओए इधर आओ, इधर बिल्ली है, जल्दी आओ देख इधर बिल्ली है। बिल्ली कहाँ से आ गई हमारे घर में? पड़ोस से आ गई होगी ना। कहाँ है? और इधर नीचे मैंने उसकी दुम भी देखी है पुत्र। आपको कैसे पता कि बिल्ली है? हो सकता है चूहा। और चूहे की दुम इतनी मोटी नहीं होती, आके खुद देख ले। सांप? है? सांप? तो बिल्ली सांप ले आई है क्या? ओ माँ जी बिल्ली की दुम इतनी मोटी नहीं होती, सांप है। चलो जानू क्या हुआ? मोमो तुम कांप क्यों रही हो? वो बाहर ना कांप है। सांप महमूद साहब, सांप। जानू तुमने महमूद साहब को सांप कह दिया, हालांकि इनका जाति मुंह नेओले जैसा हो गया है। बकवास नहीं करो नबील, और खबरदार तुमने आइंदा मेरे मुंह का मजाक उड़ाया तो। अरे आप लोग लड़ना बंद करें, घर में सांप आ गया है। अरे चुप करो यार, सांप आ गया तो क्या हुआ? क्या 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 सांप? सांप महमूद साहब सुबह भी चल जाए यार, सुबह भी चल जाए। क्या हो गया नबील, तुम पागल हो गए हो? अरे सांप कह रहे हो, कुछ पानी थोड़ा है तुम्हें, सोफे पे चढ़ जाओ। क्या सांप सोफे में नहीं चढ़ सकता? बात आपकी भी ठीक है यार। कैसे चढ़ेगा ऊपर, उसके तो पैर ही नहीं होते। माँ जी सांप दरख्त पे भी चढ़ सकता है। वो तो हम कौन सा दरख्त पे हैं, बच गए ना साफ साफ हम। अरे जब वो दरख्त पे चढ़ सकता है तो सोफे पे नहीं चढ़ सकता क्या? है? जी हाँ,
ओए तो फिर अब हम कहाँ चढ़ जाएं जहाँ सांप नहीं चढ़ सकता। माँ जी आप एक काम करें, आप पंखे पे चढ़ जाएं, सांप पंखे पे नहीं चढ़ सकता। हाँ लेकिन पंखे पे तो मैं भी नहीं चढ़ सकती ना पुत्र। तो फिर आप क्या करें यार? बिल तुम भी हद करते हो यार, हम तो औरतें हैं, तुम लोग मर्दों के सांप से डर रहे हो। तो क्या मर्दों को सांप नहीं काटता जानू? बड़ी जोर से काटता है। अरे छोटा मोटा सा सांप है यार। अच्छा छोटा सा सांप है तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो मैं मूसा नाक से डाल के मुँह से निकाल लेते हैं। वो जाए यार सांप मार के आए। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मारो, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। सांप के? माँ जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यार। तो तुम उन्हें यतीम करना चाहती हो? शट अप नबील, जाओ तुम और महमूद साहब जाके सांप को मार के आओ। हाय महमूद साहब, चले चल के सांप मार के आते हैं। वो हमने जिसको मारना है वो सांप है। ऐसे महमूद साहब जरा मैं ट्राई कर रहा था कि आप चुकन्ने हैं ना। महमूद साहब सांप को मारना फूंकों से? तो किससे मारे नबी? अबे ये लेने से पड़े हुए औजार, ये ले ला, ये ले, ये सिस्टर रख गया था यहाँ। ठीक है चले। ठीक है महमूद साहब। नबील अगर सांप ने मुझे काटा ना तो फौरन अस्पताल ले जाना। सांप को? नहीं नहीं यार मुझे। ओ महमूद साहब फौरन कैसे ले जाएंगे यार, हमारे पास कौन सी गाड़ी है? हॉस्पिटल भी यहाँ से कुछ कोसों दूर है, एम्बुलेंस को आते आते 1.5 घंटा लग जाएगा। क्या? हाँ 2 गलियां छोड़ के कब्रिस्तान है, वहाँ जल्दी पहुंच सकते हैं। वो सांप, वो रहा सांप। कहाँ? वो पकड़ो। अरे पकड़ना नहीं है मारना है। अरे तुम मारो ना। महमूद साहब ये सांप आपको गौर से देख रहा है, इससे पहले कि ये आपको पहचान ले आए इसे मारे। आओ आओ चलो। ओ महमूद साहब मार दिया, मार दिया, मार दिया महमूद साहब, मार दिया यार, कमाल हो गया, हमने सांप मार दिया। मामो मामो हमने सांप मार दिया। जानू जानू हमने सांप मार दिया। हे शबश, अब उसे कहीं दफना कर भी आओ। शुक्र है माँ जी महमूद साहब और नबील ने सांप को मारा। हाँ अगर किसी को काट लेता ना तो पेट में 14 टीके लगाने थे फिर। हाँ जी सांप के काटने पे 14 इंजेक्शन नहीं लगते पेट में, कुत्ते पे लगते हैं। ना तो कुत्ते के टीके क्यों लगते हैं फिर? हैं कुत्ता काटे तो इंजेक्शन लगते हैं माँ जी। ना तो अगर सांप काटे तो फिर क्या लगता है? 5 मिनट लगते हैं माँ जी मरने में। ये नबील और महमूद साहब सांप को दफनाने गए, बंदा तरान क्यों लगा दिया? कहाँ रह गए थे तुम लोग यार? जानू सांप की लाश को बहुत दूर दफना के आए हैं, ठिकाने लगा के आए हैं। दूर जाने की क्या जरूरत थी नबील, कहीं भी फेंक आते। अरे खूबसूरत कैसी बातें कर रही हो, हमने सोचा कि कहीं वो इच्छाधारी नाग ना हो और हमारी कहीं तस्वीर उसकी आंखों में ना आ जाए, इसीलिए हमने दूर जाके उसे दफनाया। वैसे इतने दूर नहीं गए थे हम। अच्छा महमूद साहब ये सब फिल्मों में होता है और वो भी सस्ती इंडियन फिल्मों में। वैसे महमूद साहब आपका भी कोई कैलिबर नहीं है यार, इंडियन फिल्में देखते हैं वो भी सस्ती सी। अरे नबील इस वक्त छोड़ो इन बातों को, भूख लग रही है बहुत शदीद किस्म की, प्लीज जल्दी से खाना लगा दो। हाँ जानू खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करना चाहूंगा, सांप के चक्कर में ना मैं रेस्ट नहीं कर सका। क्यों मामू साहब? हाँ मैं भी खाना खाने के बाद कैलूला करूंगा। चुपे खाना खाके जाया करना है तो खाना खाने की जरूरत क्या है, जाए जाके पहले कैलूला करें फिर खाना खाइएगा। अरे मोमो दोपहर के खाने के बाद आराम करने को कैलूला कहते हैं। नबील दरवाजे पर कोई आया है। कौन आया है? मुझे क्या पता,
जाकर देखो। ओ जानू, मुझे किसी आया बाया को नहीं देखना। अरे वो आया नहीं है, दरवाजे पे बेल बज रही है नबील, जाकर देखो कौन है। ओ जानू, तुम खुद जाके नहीं देख सकती, बड़ी मुश्किल से तो मेरी आंख लगी थी, तुमने खुलवा दी आंख मेरी। नहीं नबील, जब से पड़ोसियों के घर दिन दहाड़े चोरी हुई है, मुझे दरवाजा खोलते हुए डर लगता है। यार इस घर में अब पुराने बर्तनों और पुराने महमूद साहब के अलावा बचा ही क्या है जो चोर लेके जाएंगे। शट अप नबील, चलो जाके देखो दरवाजे पे कौन है। ओ यार देखता हूँ। कौन आ गया पे? आप कौन? मैं नगीना। मैं नबील। आप यहाँ किस लिए आए? अरे 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 अरे, आप रो क्यों रही हैं? मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। किसने किया है आपके साथ ये जुल्म? मुझे उस आदमी का नाम बताएं, मैं जान से मार दूंगा उसे। वो बहुत खतरनाक आदमी है, आप नहीं जानते उसे। अच्छा चले कोई बात नहीं, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। बट साहब बट्टू अपने दोस्त है ना पुलिस में। मैं तो घर से खुदकशी करने के लिए निकली थी, मुझे रास्ते में प्यास लग गई, इसलिए मैंने आपकी घंटी बजा दी। घंटी तो आपने मेरी बजा ही दी है। क्या? अरे आप खुदकशी क्यों कर रही हैं? ऐसा जुल्म मत करें, अपने आप को जाया मत करें, किसी के काम ही आ जाए। मुझे प्लीज एक गिलास पानी पिला देंगे आप? हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आए ना, आप गर्मी में क्यों खड़ी हैं? गर्मी में आपका रंग खराब हो जाएगा, राणा रिजवान जैसा हो जाएगा। आए आए आए, प्लीज आए आए आए, आज वो मैं आपके लिए ठंडा याख पानी लेके आ। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? जी मैं ये ले आपके लिए ठंडा याख पानी। ये लड़की कौन है नबील? जानू ये समीना है। समीना? नगीना। हाँ हाँ ये नगीना है जानू। नगीना। नगीना हो या जरीना, हमारे घर में क्या कर रही है? जानू ये पानी पीने आई है ना। क्यों, इसके घर में पानी नहीं है? हो सकता है जानू इसके घर में फ्रिज ना हो। आप पानी तो पियो ठंडा याख। नबील तुम्हें जरा भी शर्म और खौफ नहीं है ना? पहले तो तुम छुप छुप के लड़कियों से बातें किया करते थे, अब तुमने दिन दहाड़े लड़कियों को घर पे बुलाना शुरू कर दिया, वो भी मेरी मौजूदगी में। अचानू तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। अभी बताती हूँ मैं सबको तुम्हारे करतूत। महमूद साहब, माँ जी जल्दी बाहर आए। ओ जानू मेरी बात तो सुनो। जी जी बोले। क्या महमूद साहब जल्दी आए यार? क्या हो गया? देखिए जरा आप अपने बेटे के करतूत। ये लड़की कौन है? नबील से पूछना है लड़की कौन है। कौन है भाई? महमूद साहब। घटिया आदमी तुम बोलते क्यों रहे हो, ये लड़की कौन है? ओ महमूद साहब ये नगीना दरवाजे में पानी मांगने आई थी यार। और तुमने इसे घर में घुसा लिया, शक्ल से मुझे ये लड़की उचक्की लगती है। नहीं जानू इतनी प्यारी तो है ये। शट अप नबील। अब तू क्यों रो रही है? ओ माँ जी ये एक मजलूम लड़की है, इसकी कहानी आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोगों का दिल फट जाएगा। तुमने इसकी कहानी सुनी है? नहीं सुनूंगा ना अभी। ऐ मजलूम लड़की तुम्हारी कहानी क्या है? मैंने और मेरे शौहर ने सबसे लड़ भिड़ कर अपनी पसंद से शादी की थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, और आज जब मेरे शौहर सुबह काम के लिए निकले तो वापस ही नहीं आए। तो क्या गुम हो गया था? नहीं, कुछ जालिमों ने उन्हें जान से मार दिया। कितनी दर्दनाक कहानी है इस हसीन लड़की की मामू साहब। भैया बहुत ज्यादा। बात सुनो, हमने तुम्हारी सारी कहानी सुन ली, बहुत हमदर्दी है हमें तुमसे। अब चलो निकलो यहाँ से, हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। जानू तुम्हें इस लड़की पे जरा भी तर्स नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हें ज्यादा तर्स आ रहा ना तो तुम भी इस लड़की के साथ घर से जा सकते हो। देखें मुझे सिर्फ एक दिन यहाँ रहने दें, कल मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। हमने कोई सराय नहीं खोला हुआ। हाँ चलो देख लो यहाँ से, आ जाओ चलो। जानू चलो 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 जानू ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम उस मजलूम लड़की को एक दिन रहने देती तो तुम्हारा क्या जाता था भाई? तुम्हें पता है नबील, वो लड़की इस घर में क्यों आना चाह रही थी? क्यों आना चाह रही थी? तुम्हें मारने के लिए। हाँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, जो काम वो नहीं कर सकी वो अब मैं करूँगी। मुझे मारने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है उसमें कुछ जिन आ गया? जिन जिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओए खबरदार, तूने मेरे पुत्र को हाथ लगाया। मुझे क्या हो गया था अचानक? जैसे जानू, मुझे लग रहा है तुम्हें उस मजलूम लड़की की बद्दुआ लगी है, तभी तुम ऐसी हरकतें कर रही थी। नबी, चलो कमरे में। नहीं जानू, मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं जाऊंगा। अरे दफा करो मोमिन, आओ हम दोनों चलकर कमरे में आराम करते हैं। मैं मुझे, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हैं यार? अरे छोड़ो नबील, ये तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला खुद ही निपटो। आओ मोमो, हम अंदर चले। जानू तुम माइंड मत करना, मैं जरा ना वॉक के लिए जा रहा हूँ लॉन में, मेरी वॉक का वक्त हो गया है। क्या हुआ मोमो? ये क्या कर रही हो मोमो? मोमो ये क्या बाय बाय कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी माँ मुझे मारना चाहती है। क्या? हाँ, छुरी लेके उसने मुझ पे हमला कर दिया था। नबील, मुझे लगता है तुम्हारी माँ के ऊपर ना कोई जिन आ गया है। हाँ मैं। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं इच्छाधारी नागन हूँ, कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती हूँ। इच्छाधारी नागन? हाँ, जिसके शोहर को तुम दोनों ने आज सुबह मारा और मैंने उसकी आंखों में तुम दोनों की तस्वीर देख ली थी। और मैं अपने शोहर की मौत का बदला लेने ही इस घर में आई थी। महमूद साहब, ये हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे ना यार? नहीं, ये हकीकत है और तुम दोनों को अभी यकीन आ जाएगा जब मैं तुम दोनों को जान से मारूंगा।